बहुत चतुर चतुर हो तुम छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा कम करो। और 3 घंटे भी कथा काय को कहें, आधा घंटा तो मूछ वाला ले जाता है, बचा 2.5 घंटा। उस 2.5 घंटे की कथा में भी आप अगर उसको लगन नहीं लगा सके, उससे नहीं मिल सके, तो फिर बेकार है जीवन। फिर क्यों हम तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर है, बस एक क्षण का मिलना मेरे बाबा से, एक क्षण का। गलती हो गई, कुबेर ने इंद्र से कह दिया, ये बीच में जो बैठे हैं, कुबेर ने इंद्र से कह दिया, ये बीच में जो बैठे हैं ये देवाधिदेव महादेव है। तो इंद्र अहंकार में उठकर कहता है, अगर देवाधिदेव महादेव है तो इनमें तब विवेक होना चाहिए कि बीच रस्ते में नहीं बैठना चाहिए। इनमें इतना विवेक होना चाहिए कि बीच रस्ते में नहीं बैठना चाहिए। कुबेर ने हंसकर कहा, इनका ना तो घर है, इनका ना कहीं झोपड़ा है, इनका ना कहीं निवास है, इसलिए ये कहीं पर भी बैठकर तप साधना में लग जाते हैं। इंद्र ने आवाज की गर्जना कर कहा, हटो यहां से महादेव, महादेव हटिए, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, हमको आगे जाना। हटो यहां से। कई लोगों की आदत रहती है, प्रसाद, पोहा, चाय, भोजन सब आराम से मिल रहा है, सब आराम से, पर कई लोगों की आदत होती है, जब तक वो 2-4 को कूचे नहीं तब तक उसका पोहा पचे नहीं, तब तक उसकी चाय, पोहा और भोजन नहीं पचता। वो 2-4 को कूचेगी तब जाकर फिर प्लेट में भोजन लेगी, तब वो खाएगी और फिर बाद में कहेगी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, फिर तूने क्या करा, मैं तो चली गई। और फिर दोना लेके निपटा के फिर सोचा, कथा में जाके बैठ जाऊंगी, भूख लगी तो। फिर वापस गई, 2-4 को फिर कूचती हुई, फिर एक प्लेट लेके झोले में धर के फिर कथा में आराम से फिर बैठी। अब वो कथा में बैठी तो सरी, और जैसे ही महाराज जी ने कथा चालू करी, ओम नमः, इसने देखा सब आग जोड़ रहे, इसने धीरे से ओम नमः लगी, पूरा दोने का पोया खा गई। अब विचार कर रही है, दोना का क्या करूं, दोने का, बस बैठी थी। जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अब बगल वाली पे जो गिरा तो वो समझी भगवान ने कुछ दिया। अब इसको क्या मालूम था कि इसने पोया का दोना फेंक दिया, अब उसको क्या मालूम था, अब वो तो सोची कि भगवान कुछ दे दिया मेरे को, भगवान, महाराज जी कहते भगवान देता तो यही दे दिया। अब वो क्या, बहुत चतुर चतुर हो रहे तुम छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा कम थोड़ी ना। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, और इतने बढ़िया कि पोहा का दोना उधर पड़िया है। हर हर शिव कथा कह रही है, बीच मार्ग में देवाधिदेव महादेव बैठे, तो इंद्र उनकी गलती की।